शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, माफिया अतीक पर एटीएस का शिकंजा कसने लगा है। अब अतीक पर यूएपीए के तहत केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। एटीएस की टीम ने शुक्रवार को अतीक से उसके आतंकी संगठनों और आईएसआई से संबंधों को लेकर लंबी पूछताछ की है। अतीक के पाकिस्तान से हथियार खरीदने समेत कुछ अन्य बिंदुओं पर भी एटीएस अपनी पड़ताल कर रही है। पाकिस्तान से मंगाए गए कुछ असलहों की बरामदगी का भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। विवेचक को दिए गए बयान में अतीक अहमद ने उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से होने की बात स्वीकार की थी। पाकिस्तान के हथियार खरीदने की बात भी स्वीकारी थी। आपको बता दें, इसके बाद से एसटीएफ और अन्य खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई है और इस मामले की जांच पड़ताल और बढ़ा दी गई है। तो अतीक के पाकिस्तान से हथियार खरीदने और कुछ अन्य बिंदु ऐसे हैं उसको लेकर एटीएस अपनी पड़ताल करने में जुट चुकी है। लंबी पूछताछ यहाँ पर अतीक अहमद से की गई और इसी पूछताछ में खुलासे हुए हैं कि जो हथियार को इस्तेमाल किए जा रहे थे अतीक अहमद की तरफ से, जिन असलहों का इस्तेमाल हो रहा था वो पाकिस्तान से मंगाए गए हैं। एटीएस की टीम ने लंबी पूछताछ की है और इसी पूछताछ में अतीक से उसके आतंकी संगठनों के साथ जो संबंध है और आईएसआई से जो संबंध है उसको लेकर लंबी पूछताछ की गई है। और इसी मामले पर अतीक पर अब यूएपीए के तहत केस दर्ज करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो पाकिस्तान कनेक्शन अब यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद का जो हथियार इस्तेमाल किए गए, जो असलहे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसका पाकिस्तान कनेक्शन यहाँ पर अतीक अहमद ने खुद कबूला है लंबी पूछताछ के दौरान। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कब्रिस्तान के अंदर कई बुर्के पहनी 4-5 महिलाएं पकड़ी गई हैं। बुर्के में कई महिलाओं से जो पकड़ी गई है उनसे पूछताछ अब यहाँ पर जारी है। महिलाओं से उसकी पहचान जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, ये जानने के लिए पुलिस यहाँ पर जुट गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एक या दो नहीं, 4-5 महिलाएं कहा जा रहा है कि वहां पर पकड़ी गई है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुट चुके हैं जो की लगातार वहां कब्रिस्तान के पास मौजूद है जहाँ पर असद के शव को दफनाया गया है। और जब वहां से लोग बाहर निकले तो उसी दौरान 4-5 महिलाएं नजर आई है, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या जानकारी मिल पा रही है मोइन आपको? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद और अशरफ के जो वकील विजय मिश्रा हैं वो बाहर आ चुके हैं। विजय जी बाहर आ जाइए, विजय जी बाहर आ जाइए। शामिल हुए थे उनके परिवार और रिश्तेदार के लोग शामिल हुए थे। परिवार के कौन कौन से लोग शामिल हुए थे? उनके रिश्तेदार फुफा वगैरह, उनकी फैमिली थी और बुआ वगैरह आई हुई थी दूर की। नहीं 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 नहीं, चूंकि जो कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द के खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्चुअस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। मांग ये की गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ जी को जो है सुपुर्द के खाक में शामिल, जनाजे में शामिल किया जाता उनको और मिट्टी को देखने के लिए जो है मांग की गई थी। नहीं, ये प्रशासनिक मामला, इसमें कोई जानकारी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साहिस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी यहाँ पे, पालग्राम में है, वो तो लाए जा सकते थे, लेकिन शासन द्वारा ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है जिसलिए वह नहीं आ पाए। नहीं, ऐसे कोई आपत्ति नहीं, चूँकि प्रशासनिक मामला था और चूँकि प्रशासन ने ही पूरा इसको जो होल्ड किया किया था, इसलिए उसको सीधे जो है कब्रिस्तान लाया गया और यहीं पे दफनाया गया। नहीं नहीं, शासन और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है अंतिम प्रक्रिया करवाने में, दफनाने में सबको, इसलिए उसमें कोई एतराज नहीं। जी हाँ, कल जब उनका मेडिकल कराया गया था तो आमना सामना हमारा उनका हुआ था। जी हाँ, बस नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये प्रशासनिक मामला, इसमें हम नहीं कर पाएंगे। एनकाउंटर को लेकर कोई आपत्ति दाखिल करेंगे, कोई मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश? ये बात की बातें हैं, ये तो अभी फिलहाल इस वक्त ये बातें नहीं कही जा सकती हैं। हाँ अर्जी, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक अहमद और अशरफ के वकील विजय मिश्रा हैं जो ये बता रहे थे कि जो अर्जी थी वो अब इनफ्लेक्शुअल हो गई है, यानी औचित्यहीन हो गई है और उस अर्जी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि असद के शव को दफनाया जा चुका है। इस बीच आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा अफरा तफरी मच गई है, थोड़ा गहमा गहमी के हालात हैं यहाँ पर
और ये अतीक अहमद के वकील से बातचीत करने के लिए। और आपको स्पीच बता दें हम कि कई बुरका नशी महिलाएं हैं जो कि अंदर डिटेंड की गई हैं। दरअसल 4 से 5 की संख्या में जो महिलाएं थीं वो संदिग्ध हालत में कब्रिस्तान में देखी गई थी, और उसके बाद जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो कब्रिस्तान के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद में वो दाखिल हो गई, और उसके बाद जो है जो मस्जिद का एरिया है उसको घेर लिया गया है ताकि कोई भी लोग बाहर ना निकल सकें। उसके बाद आपको बताएं कि जो महिलाएं हैं उनको बारी बारी से निकाला जाएगा बाहर। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से एक पुलिस वैन अंदर बुला ली गई है, और इस पुलिस वैन में ही बिठाकर इन महिलाओं को थाने ले जाया जाएगा। वहां पूछताछ की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, और जब ये संतुष्टि हो जाएगी कि जो महिलाएं अंदर आई हुई थी उनमें से शाइस्ता परवीन कोई नहीं है, उसके बाद ही इन महिलाओं को छोड़ा जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये महिलाएं पुलिस की हिरासत में हैं, और हमारे जो कैमरा सहयोगी उनसे कहेंगे मेरे पास हैं। देखिए ये असद के नाना जी हैं, हामिद जी, वो यहाँ से जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठ करके। और दूसरी तरफ पीछे की तरफ आपको हम दिखा दें कि खासी गहमा गहमी है यहाँ पर, चूंकि भीड़ भाड़ हो गई है यहाँ पर। और आपको बताएं कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है, इस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। कहाँ ये देखिए, ये हैं कुछ, ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये तस्वीरें जरा आप इधर दिखाइए, काम मत रोके भाई, ना समझ गए ना जो है भाई, नहीं आप हमको बोल रहे थे इसलिए मैं आया, वो किया ना धक्का देना, वो थोड़ी ना यहाँ पर यार वो हो रहे हो, धक्का दोगे वो तो मैं बर्दाश्त करूंगा। जब आप आराम से कोई आप अपना काम करें, हम लोग खड़े ना हो पाए। बड़ी अहम जानकारी मोहिन हमें यहाँ पर दे रहे थे। दरअसल मैं वो एक बार फिर से दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि कब्रिस्तान में 4 संदिग्ध महिलाएं जो कि बुरका पहने हुए नजर आई, पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो मस्जिद में ये दाखिल हो गई। सभी महिलाएं कब्रिस्तान के अंदर स्थित इस मस्जिद में घुस गई है, जो की मस्जिद जो कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद है। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर की है तो अंदर घुस गई है। उस मस्जिद की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसी मस्जिद के अंदर की महिला यहाँ पर घुस गई है। और हालांकि पुलिस ने मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया है ताकि कोई भी महिला यहाँ से बाहर ना जा सके, उनसे पूछताछ अभी करनी है और ये जानने की कोशिश करनी है कि इन महिलाओं में शाइस्ता परवीन शामिल तो नहीं है कहीं, क्योंकि शाइस्ता परवीन की संभावना जताई जा रही थी कि अपने बेटे के इस अंतिम संस्कार में पहुंच सकती है। मोइन आपका मैं रुक कर रही हूं, मोइन क्या ये महिलाएं निकल पाई है मस्जिद से बाहर, क्या अपडेट आपको मिल? देखिए आपको बता दें कि इस वक्त जी देखिए आपको हम बताएं कि इस वक्त हम उसी कब्रिस्तान के गेट पर मौजूद है। ये ठीक सामने जो आप एक पुलिस की वैन देख रहे हैं, नीले कलर की ये वैन है, इसे अंदर बुलाया गया, और जो कब्रिस्तान का कैंपस है इसी के अंदर एक मस्जिद है। दरअसल 4 की संख्या में बुरका नशी संदिग्ध महिलाएं अंदर देखी गई थी, पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वो महिलाएं भागने लगी, और जब महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें दौड़ाया तो अंदर जो मस्जिद है कब्रिस्तान के अंदर वो महिलाएं वहां पर दाखिल हो गई। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जिस तरह से वो महिलाएं भागी हैं उनमें से कोई एक महिला शाइस्ता परवीन हो सकती है, यानी वो शाइस्ता परवीन जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, जो उमेश पाल ने शूट आउट केस में नेम्ड एक्यूज्ड है, नामजद एफआईआर है, 50,000 रुपए का इनाम जिसके ऊपर है। तो जो मस्जिद का एरिया है उसे पुलिस ने घेर लिया है, महिला पुलिसकर्मियों को भी अंदर लगाया गया है, और जो मस्जिद में मौजूद लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि जितने भी लोग बाहर अंदर हैं उन सबको बाहर निकाला जाए, एक बार तलाशी ली जाएगी। और ये जो सामने आप पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं इसी गाड़ी पर बिठा करके सभी महिलाओं को थाने ले जाया जाएगा, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी आईडी चेक की जाएगी, और जब ये इस बात की संतुष्टि हो जाएगी कि वो उनमें से शाइस्ता परवीन नहीं है, कोई दूर की रिश्तेदार हैं जो असद के जनाजे को देखना चाहती थी, उसके चेहरे को आखिरी बार देखना चाहती थी और विदाई देना चाहती थी, इस वजह से यहां आई थी, जब संतुष्टि हो जाएगी तभी इन महिलाओं को छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी मस्जिद के अंदर ही महिलाएं मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी सभी वहां पर मौजूद हैं, और यही वजह है कि अब से तकरीबन 45 मिनट पहले ही असद को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गेट नंबर 1 है कब्रिस्तान का, कसारी मसारी कब्रिस्तान का, वो अभी भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील है, अभी भी बैरिकेटिंग लगी हुई है, अभी भी किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, अभी भी पुलिस और पीएससी के साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो उसी तरीके से मुस्तैद है। तो इन्हीं महिलाओं की वजह से ये सख्ती बरती गई है, जो इंतजाम है वो पहले की तरह ही बरकरार है। महिलाएं कौन है इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक पुलिस छानबीन नहीं कर लेती है,
है, जब तक पुलिस पूछताछ नहीं कर लेती है, जब तक पुलिस पड़ताल नहीं कर सकती है। लेकिन जिस अंदाज में ये महिलाएं भागी, जिस अंदाज में ये महिलाएं, देखिए कुछ और महिला पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं कि ये आगे की तरफ जा रही है, यानी आगे की तरफ जो कब्रिस्तान का गेट है, और बहुत तेज रफ्तार में ये महिला पुलिसकर्मी कुछ है, कुछ दूसरे पुलिसकर्मी है, ये आगे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि आगे का जो एरिया है उसे भी जो है वो वहां पर भी घेरेबंदी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस तरफ से भी कोई भागने ना पाए, कोई जाने ना पाए। और देखिए ये तेजी में ये गाड़ियां जा रही हैं पुलिस की, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो कुछ हलचल है ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है, शक करती है कि हो सकता है, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ये बुरका नशी महिलाओं में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। इस बात की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए कुछ लोग जा रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ लोग इस तरीके से पुलिस की गाड़ियां आगे की तरफ गई हुई हैं, थोड़ा सा हलचल बढ़ गई है, और इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे कोई कुछ हलचल जरूर है। बिल्कुल हलचल वहां पे बढ़ने लग गई है, क्योंकि अब ये शक हो रहा है पुलिस वालों को भी है कि कहीं बुर्का, जो महिलाओं ने बुर्का पहना है उनमें शाइस्ता परवीन ना हो, क्योंकि ऐसी संभावनाएं थी कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के अंतिम संस्कार में पहुंच सकती है उसके दर्शन करने के लिए। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है, लेकिन इस बीच ये जो चार महिलाएं मस्जिद के अंदर घुस गई है, और इनके भागने का जो अंदाज रहा, जैसा कि मोइन बता रही है, उसको लेकर के पुलिस वालों को यहाँ शक, और यही वजह रही कि मस्जिद को घेर लिया गया है, और हर एक हलचल पर नजर हमारी भी बनी हुई है। मोइन वहां पर मौजूद है, हर एक हलचल को बारीकी से देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की हलचल बनी हुई है। लेकिन ये चार महिलाएं अब इसको लेकर के यहां पर पुलिस पूरी एक्टिव हो चुकी है, पुलिस फोर्स एक्टिव हो चुका है, अलर्ट हो चुका है, मस्जिद को घेर लिया गया है, हर एक गेट पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, और अंदर कहा जा रहा है कि जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी अंदर लोग हैं, उनकी एक एक करके चेकिंग यहाँ पर ली जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये चार महिलाएं कौन है, कहीं इन महिलाओं में शाइस्ता परवीन शामिल तो नहीं है। आपको बता दें लगभग एक घंटे का समय होने को है, सबको सबको वहां पर दफनाया जा चुका है कसारी मसारी कब्रिस्तान में, और इसके बाद जब लोग वहां से बाहर निकल रहे थे तो तकरीबन 20 से 25 जो रिश्तेदार अंदर गए हुए थे उनमें बताया गया था कि एक महिला भी अंदर गई थी, लेकिन जब लोग बाहर निकले तो वहां पर चार महिलाएं ऐसी नजर आई जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, और पुलिस को देखते ही ये महिलाएं मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है। इसी के बाद से अब उन्हीं को यहाँ पर बाहर निकालने के लिए, पूछताछ करने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात। असद की माँ है जी? असद की माँ है क्या? नहीं, असद की कौन है? कौन है? असद की पुत्री है ना? असद हाथ में जो जी क्या कहिएगा जिस तरह का हाथ। तस्वीरें आपके सामने ही है, वहां पर जितनी भी अब ऐसे में बुर्का पहने महिला नजर आ रही है, लोगों का ये शक हर किसी का जा रहा है कि कहीं वो शाइस्ता परवीन तो नहीं, और यही वजह है कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप असद की माँ है, ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि लोगों का अब शक ऐसे में हो रहा है कि कहीं शाइस्ता परवीन तो वहां नहीं पहुंची है, जो कि फरार चल रही है, 50,000 का इनाम उस पर घोषित है, लेकिन ये उम्मीद थी कि शाइस्ता परवीन वहां पर पहुंच सकती है अंतिम दर्शन के लिए। अब मोइन वहां पर लगातार मौजूद है। मोइन इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीर सामने आ रही है, एक महिला वहां पर बुर्का पहने हैं, और उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं आप असद की मां तो नहीं है। हालांकि हर किसी का ये शक फिलहाल जा भी रहा है, वहां पर जितने भी बुर्का पहने महिला नजर आ रही है। अरे चुप हो जाओ यार। तो तस्वीर आप देखिए, इस वक्त हम कसारी मसारी कब्रिस्तान के गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं। पुलिस की वैन यहां पर खड़ी हुई है, और इसके साथ साथ वो मस्जिद भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर भागकर जो महिलाएं हैं वो अंदर छिपी हुई हैं। बाई तरफ हम चलते हैं और यहां से वो मस्जिद दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो ठीक सामने आप हमारे सफ़ेद रंग की बिल्डिंग देख रही हैं, यही वो मस्जिद है जहाँ पर जब पुलिस ने दौड़ाया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो जो महिलाएँ हैं वो वहाँ पर चली गई हैं। अब पूरे मस्जिद की तलाशी ली जाएगी और जितने लोग अंदर हैं उन्हें निकाला जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि कब्रिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे सबको बाहर निकाल दिया गया है, जो पूरा कब्रिस्तान है उसे खाली करा दिया गया है, ताकि कोई भी जो है व्यक्ति अंदर ना रह सके। और ये जो सुरक्षा इंतजाम आप देख रहे हैं अभी भी इसीलिए पहले की तरह बरकरार हैं, क्योंकि मस्जिद में कुछ महिलाएं छिपी हुई हैं, उन मस्जिद महिलाओं को बाहर निकाला जाएगा, और पुख्ता तौर पर इस बात की कोशिश की जाएगी, पहचान की जाएगी, शिनाख्त की जाएगी कि जो महिलाएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके, उनसे पड़ताल की जा सके। और
ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं ये जो चार बुरकानशी महिलाएं हैं इनमें शाइस्ता परवीन तो नहीं है। वो शाइस्ता परवीन जो असद की माँ है, अतीक अहमद की पत्नी है, जिसके खिलाफ उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद FIR दर्ज है और जिस पर 50,000 रुपए का इनाम दाखिल है। कहीं ऐसा तो नहीं की बेटे साजिश रचने का आरोप लगा है। मसारी कब्रिस्तान में चार महिला नजर आई है जो की बुरका पहने वहां पर थी। ऐसे में महिलाओं को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई तो मस्जिद में दाखिल हो गई है। अब पुलिस ने घेराबंदी कर ली है मस्जिद की। असद की माँ है जी? असद की माँ है क्या? नहीं, असद की कौन है? कौन है? असद की पुत्री है ना। असद हाथ में जो है एक इंसान है, औरत है, रोजा रखते हैं, भैया की बच्ची देखने जी। क्या कहिएगा आज इस तरह का? असद की माँ है क्या जी? असद की माँ है क्या? नहीं, ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।